हेलो एंड वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। आई एम शाहिद अली और हम क्या बात करने वाले हैं, जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे, मैं लेके आपके लिए जो फेज टू है उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले। आज मैं दो डिस्कस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। एआरडी के मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, यहाँ ईएएस नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एआरडी की बात करने वाले हैं। तो एआरडी में जो मेन्स प्रैक्टिस सेट है तो वो दो क्वेश्चन उठाने वाला, तो देखते हैं उसका आपको अटेम्प्ट कैसे करना। जो हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव उसको कैसे हैंडल करना है एग्जाम में, बाकी तो आपको पता है कि टाइप करना ये करना, पर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, व्हाट इज़ द डिमांड, कितना बड़ा आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सो द पॉइंट्स यू नीड टू टेक इनटू टेकन इनटू के या सो विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। सो व्हाट आर द थिंग्स, सो सबसे पहले लाइक क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द मेन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर फॉर एग्रीकल्चर डिस्कस, ये क्वेश्चन है। किस लेवल का आने वाला है, नोबडी नोज। तो एक मैंने बेसिक बनाया क्वेश्चन, अब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, एनालिटिकल भी आ सकते हैं, मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो अगर इसकी बात करूँ तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेन मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे दो चीज़ें, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में मेट्रोलॉजी की आपको बात करनी है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वेदर के, मेट्रोलॉजी मीन्स हम वेदर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो क्या लिखेंगे। तो हमने बात की थी आपसे कि आपको क्या देखना है, जो बॉडी है उस पर फोकस करना है, और हम देखते क्या है, व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ। अब इसमें से कौन सा टूल हमें चाहिए वो हम यूज़ करके अपना आंसर कर लेंगे, यही रहेगा और कुछ नहीं रहता है, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है लिखना क्या है। अब सपोज कीजिए ये कितने मार्क्स का है, या तो 10 का आएगा या 15 मार्क्स का आएगा, तो आपको या तो 100 वर्ड्स में लिखना है या 150 वर्ड्स में, प्लस माइनस 10 कर लीजिए बस इतना है, और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, कि 10-20 वर्ड से ज़्यादा नहीं आप उसको बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं। तो अब क्या बात करेंगे, देखिए पहले एक दो लाइन में बता दीजिए मेट्रोलॉजी और एग्रीकल्चर उसकी इंपॉर्टेंस, आपस में लिंक है कोई नहीं है, क्योंकि मेट्रोलॉजी है उस पर एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, क्योंकि जो आपको पैरामीटर्स आपको तो पता है, तो वो पैरामीटर्स ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन क्या होने वाली है। तो ये एक दो लाइन में आप ये चीज़ें लिखिए, तो अब उसको पता लगे एग्जामिनर को कि यस आपको एटलीस्ट पता है कि व्हाट इज मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी फॉर एग्रीकल्चर है ना, क्योंकि अगर यही 600 वर्ड का लिखना होता फिर हम उसको एक्सप्लेन करते पूरा, इंपॉर्टेंस पे जाते, यहाँ पे नहीं है, है ना। ना उसने इंपॉर्टेंस पूछी है, अब उसने सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये, तो डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब जो पैरामीटर्स है उसकी बात कीजिए, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं, कि विंड स्पीड और डायरेक्शन विंड की क्या होती है, उसका क्या इम्पैक्ट है, दो दो लाइनों में ये लिखिए। टेम्परेचर का कोई असर होता है एग्रीकल्चर पे कि नहीं होता, यस बिल्कुल होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होने वाला है, जो डिमांड है वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी, और जहाँ पे वैसे भी अगर देखें जहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर में हाई रहता है डिमांड, अगर वहाँ पे या ज़्यादा रहेगी तो प्रेसिपिटेशन अगर कम है तो क्रॉप्स कौन सी होंगे, जो मीज़ोफाइट्स हैं, जहाँ पे जिनको कम पानी चाहिए या मीडियम लेवल का चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए तो वो ज़्यादा पानी वाली नहीं होगी। प्रेशर और ह्यूमिडिटी ये करती है, यस प्रेशर है, लो प्रेशर एरिया क्या करता है, रेनफॉल लेके आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल हो सकती है, तो प्रेशर भी अफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को इनडायरेक्टली, और ह्यूमिडिटी तो हमेशा करती ही करती है, लो ह्यूमिडिटी है पानी की डिमांड ज़्यादा होगी एग्रीकल्चर पे, हाई ह्यूमिडिटी है तो एक उसका असर ये भी हो जाता है कि पेस्ट के डिजीज़ के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं क्रॉप्स में हमारी, तो एग्रीकल्चर पे अल्टीमेटली उसका क्या प्रोडक्शन पे एडवर्स इम्पैक्ट होगा। प्रेसिपिटेशन, सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रिलेशन रेडिएशन जो हैं, तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है या जो सोलर इंसोलेशन तो वो क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट है कि सनलाइट अगर आई नहीं रही है तो उस पर एग्रीकल्चर पे डिपेंड बिल्कुल फ़र्क पड़ने वाला है, और अगर ज़्यादा सनलाइट आ रही है तो भी, कि अगर सनलाइट है तो क्रॉप जो है अलग होगी, अगर सनलाइट कम है तो, यानी कि जो ये वेदर फिनोमेना है यानी कि जो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उसको अफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, और कैसे अफेक्ट करते हैं और वो कौन कौन से हैं उन्हें बता दी। तो आप इनको बता दीजिए, अगर 100 में आए तो सिर्फ ये लिख दीजिए एक एक लाइन में, अगर 150 वर्ड्स में तो एक एक लाइन के साथ कुछ और ऐड कर दीजिए, यानी कि दो दो लाइनों में कर दीजिए, है ना। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कि इसका इम्पैक्ट क्या है, लिंकिंग क्या है, और लिंक कंक्लूडिंग रिमार्क्स उसको एक लाइन में ख़त्म कर दीजिए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स का मतलब क्या है कि कंक्लूजन लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा कंक्लूजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि अगर एक भी चीज़ कम हुई तो उसका एग्रीकल्चर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और उसको क्या ले जाए फ्यूचरिस्टिक कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो होता है आपको क्या लेना होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेनी होती है। तो वहाँ पे अप्रोच क्या है,
कि इसका जो इम्पैक्ट है मेट्रोलॉजी के एग्रीकल्चर पे है, और एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट आपकी फूड सिक्योरिटी पे है। यानी कि अगर मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाए तो आप अपनी फूड सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर इग्नोर किया गया तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी, साथ साथ में आपकी जो फूड सिक्योरिटी है उसको थ्रेट होने वाली। तो आप ऐसे कंक्लूड करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया, थोड़ा सा एनालिटिकल लिया है, थोड़ा सा एनालिटिकल, को ज़्यादा टफ नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं लगता आने वाले हैं। अगर लगा तो थोड़ा सा और देखते हैं अभी, है ना, एनालाइज करके चीज़ों को, देन वी विल डिस्कस। क्योंकि 100 वर्ड्स का जो आंसर है, 150 वर्ड्स का जो आंसर है, तो वो ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हो सकता। जितना हो सकता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। लाइक क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डेवलप प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना, डिमांड क्या है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि वहाँ पे आपने पॉइंट लिखे हुए मिले कि दिस इज समथिंग फैक्ट्स जो वहाँ लिखे और आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला। अब यहाँ पे इसकी डिमांड देखिए, तो आपको क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना जब तक आपकी समझ ना आ जाए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि हम आंसर पे तो लगे हैं, क्वेश्चन को भूल चुके होते हैं। और जब हम क्वेश्चन से डिविएट हुए, हमारा आंसर गलत होने के चांसेस जो हैं उतने ही बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, अब इसको देखिए, यू हैव टू डेवलप व्हाट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड रूरल एरिया। उसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं ये, कि रूरल एरिया, विलेज एरियाज में, ऐसे कह सकते हैं कि विलेजेस में स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं, किसकी, जिसमें आप फूड ग्रेन स्टोर कर पाएं, उसकी इम्पोर्टेंस है कोई या नहीं है। अब इसको कैसे बात करेंगे, पहले बात करेंगे कि स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। तो स्टोरेज की इम्पोर्टेंस बताइए पहले दो लाइनों में, कि हमारे इंडिया में स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो फूड वेस्टेज जो है वो काफ़ी होती है। मेजर पोर्शन, अगर आपको याद हो, हमने क्लासेस में एक चीज़ डिस्कस की थी, जैसे हॉर्टिकल्चर है, उसमें जो 1/3 हमारा अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज। सेम इज़ द केस विद द फूड ग्रेन्स, तो वो भी प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से बहुत सारा जो है फूड ग्रेन्स वो बाय वन रीज़न और द अदर, बिकॉज जैसे नेचर की वैगरीज है उसे ख़राब हो जाता है, तो वेस्ट हो रहा है। तो स्टोरेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंस तो बता दी, अब क्वेश्चन क्या, अब क्वेश्चन पे आएंगे, ये दो लाइनों में बता देंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्योंकि लिखना कितना आपको, 100 वर्ड्स मैक्सिमम, 150 वर्ड्स पे जाना, तो 150 क्या होते हैं, चार बातें कीजिए 150 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, हमें लगता है कि बहुत है लिखने को, नो इट्स नथिंग। अब रूरल एरियाज में उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, अब उस मुद्दे पे आइए। पहले आपने जनरल दे दी, अब उस मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे क्या है, सबसे पहला कि जो किसान है उसको फोर्स्ड सेल, उसकी मजबूरी है सेल करना। क्यों, अगर वो नहीं करे तो क्या होगा, जो फूड ग्रेन है उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, और उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है स्टोरेज की कि जहाँ की उसको प्रिजर्व कर सके। कि किसान तो करते हैं, पर कितना करते हैं, 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, इससे ज़्यादा किसान प्रिजर्व नहीं करता। और किस लिए करता, अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए करता है। बाकी अगर वो बाहर रखेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कितने, फॉर एग्जांपल 5000 किलो, 5 मेट्रिक टन की प्रोडक्शन है, तो बाहर नेचर की वजह से वो ख़राब होना स्टार्ट, नेचुरल वेगरीज हैं, रोडेंट्स हैं, है ना, उसको इतनी नॉलेज नहीं है कैसे कैसे उसको प्रजर्वेशन करनी है, तो साल भर वो उसको सस्टेन नहीं करा पाएगा। तो वो क्या करता है, उसको सेल कर देते हैं। दिस इज़ वेरी फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं डिस्ट्रेस सेल वो बात नहीं कर रहा हूँ कि वो पैसे की वजह से सेल करता है, वो एक अलग इशू है, पर यहाँ पे स्टोरेज है। क्योंकि अगर हम कहें कि वो भाई स्टोरेज फैसिलिटी हम उसको दे रहे हैं, बट उसको अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट हुई, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल करेगा, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स। पर यहाँ पे हम सिर्फ उस लेवल पे बात करें कि जहाँ पे जो किसान है ही कैन अफोर्ड, कि वो चाहता कि मैं नहीं सेल करना चाहता, मैं अपने लिए रख लूँगा, जब रेट अच्छा मिलेगा तो मैं सेल करूँगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो पर वो स्टोरेज फैसिलिटीज ना होने की वजह से वो सेल करना पड़ता, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो पहला तो फोर्स्ड सेल है, वो रुकेगी। फोर्स्ड सेल रुकेगी तो उससे क्या होगा, वो वेट कर सकता है फार्मर की, जब भाई मार्केट में प्राइस अच्छा होगा ना, मैं तब सेल करूंगा। तो उसको क्या मिलेगा, उसको बेटर प्राइस मिलेगा। बेटर प्राइस मिलेगा तो मतलब क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ने वाली है। तो इस तरह से आप इन लाइनों को एक्सप्लेन फर्दर कर सकते हो। बार्गेनिंग पावर उसकी बढ़ेगी। अब उसको पता है ट्रेडर को कि अगर ये नहीं सेल करेगा तो कहाँ लेके जाएगा, घर तो वापस ले जाने से रहा ये। कि जैसे होता है कि मंडी में किसान जो है गेहूँ लेके आया अपना, कितना लेटर से वो 4000 किलो गेहूँ लेके आया, और उसके पास जो ट्रेडर, उसको पता है कि रखने की जगह नहीं होती किसान के पास, तो वो क्या करेगा, रेट जो है वो रिड्यूस करेगा, बार्गेन करेगा,
कि भाई कम रेट में लूँगा, ज़्यादा रेट में नहीं लूँगा। तो किसान क्या करता है, मजबूरी है, वो वापस नहीं ले जा सकता, उसको कम रेट में देना पड़ता है। तो मीन्स वो बार्गेन नहीं कर सकता, उसकी बार्गेनिंग पावर कम है। अब इससे क्या होगा, अब उसको पता है स्टोरेज फैसिलिटीज़ के गाँव में है, बिकता है तो ठीक, और हो सकता है उसको ले जाना भी ना पड़े, वो सैंपल लेके जाएगी, भाई ये मेरा सैंपल है, मेरे पास पड़ा है स्टोरेज फैसिलिटी में मेरी गाँव की, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ ये रेट लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं किसी और ट्रेडर से बाद में बात करूंगा, चाहे मुझे 4 महीने क्यों ना रखना पड़े। पर क्योंकि उसके पास नहीं फैसिलिटी, तो वो क्या करता है, मजबूरी में सेल करता है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंस है कि उसकी बार्गेनिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी। और चौथा, वेस्ट जो फूड की जो हम बात करें, तो वो जो है वो अवॉइड हो जाएगा, मिनिमाइज, अगर हम कहें कि नहीं हो सकता अवॉइड, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, अगर ऐसे भी बोलेंगे वैसे हम कहेंगे अवॉइड हो जाएगा, अगर आप को कोई पूछता है कि नहीं पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं कि मिनिमाइज हो जाएगा, जैसे भी आपका दिल करे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी बहुत रहती है, यहाँ फैक्चुअल पोजीशन नहीं है, यहाँ पे कि जो फैक्ट है वही है, यहाँ पे वेरिएशन है सबके आइडियाज़ में, और सब रीजन वाइज जो है डाइवर्सिटी है इंडिया में, जोग्राफी अलग अलग है सबकी। फिर क्या आएगा, ख़त्म करेंगे इसको क्वेश्चन को, कैसे लंबा सा कंक्लूजन लेके, नो रिमार्क्स कंक्लूडिंग देंगे बस, और क्या, वो रिमार्क क्या देंगे कि स्टोरेज वो एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जिस पे स्पेशल फोकस की ज़रूरत है, और आज ये फोकस ना होने की वजह से हमारा जो फूड ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और एक तरफ वी हैव सरप्लस फूड ग्रेन्स, और दूसरी तरफ वी हैव डेफिशिएंसी इन सर्टेन एरियाज, एंड वी हैव क्या कि वेस्टेज ऑफ फूड, की एक तरफ लोगों को नहीं मिल रहा है और एक तरफ हम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, हमारे फूड ग्रेन्स का डैमेज क्यों हो रहा है, क्योंकि वी हैव लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़। तो बेटर रहेगा कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं मोस्ट मोर ओवर कि रूरल एरियाज़ में हमें वो कंस्ट्रक्ट करवा दिए, क्यों कंस्ट्रक्ट करवा दिए, क्योंकि रूरल एरिया में ही प्रोडक्शन होती है, तो रूरल में ही अगर स्टोरेज होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगी, तो आप काफ़ी चीज़ें सेव कर सकते हैं, और किसान की जो इनकम है वो बढ़ सकती है। तो इस कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ आप इसको कंप्लीट करेंगे, फाइन। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखिए, और हम फिर मिलेंगे इसमें सेट टू में, मैं फिर से 2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको मैं अप टू डेट रखूँ चीज़ों के साथ कि आपको कैसे हैंडल करने क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आल आंसर दैट, आल रिप्लाई दैट, नो इश्यूज, फाइन, क्योंकि डाउट्स आपके रहेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।